आदरणीय सुखसागर मिश्रा और मधुर मिश्रा जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आपके यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जयप्रकाश रावत जी, आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रेमावती जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सौरभ मिश्रा जी, आदरणीय पीके वर्मा जी, आदरणीय भूपेश अग्रवाल जी, आदरणीय उमेश अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी हमारे सम्मानित नवनिर्वाचित सभासदगण, सभी पंचायत सदस्य, हरदोई के नगर के प्रबुद्ध नागरिकों, माताओं बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के उत्सव का दिन है और आपने इस उत्सव को अच्छा बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुखसागर मिश्रा जी को आशीर्वाद देने का भी काम किया है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी की तरफ से भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और पूरा भरोसा व्यक्त करता हूं, आगे आने वाले 5 सालों में हमारे भाई नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय सुखसागर मिश्रा जी अनवरत आपके लिए सेवा के कार्यों में लगे रहेंगे। हमारे सभी सभासद को, जो भी यहाँ पर 26 लोग हैं, 26 सभी सभासदगण, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मैं देख रहा था हमारी माताएं बहनें भी हैं, ये सभी लोग भी आपकी सेवा में सदैव समर्पित रहेंगे और आप लोगों को बधाई इसलिए भी कि पूरी चर्चा हो रही थी केंद्र की एक सरकार को चलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, डबल इंजन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है और डबल इंजन की सरकार में ये ट्रिपल इंजन जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक इंजन और आपने विकास के लिए जोड़ा है, विकास की जो योजनाएं हैं वो चाहे केंद्र सरकार की हो, प्रदेश की सरकार की हो, नीचे तक उनको पहुंचाना और आसान हो जाएगा, अन्यथा बड़ी दिक्कत होती है कि किस तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित करो। सभी लोग सहयोग करते फिर भी कहीं ना कहीं अजीब परिस्थिति पैदा हो जाती है। आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से पिछले समय से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और विकास के कार्यों को लेकर जो लोकल बॉडीज है इन पर किस प्रकार की निर्भरता है। आपकी गली, आपकी खड़ंजा, आपका नाली, आपकी बिजली के खंभे, आपके तार, आपके यहां सीवर लाइन, ये सब प्रदेश और केंद्र की सरकार नहीं कर सकती। प्रदेश और केंद्र की सरकार इसके लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से यहां पर आशीर्वाद देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, निश्चित रूप से रिटर्न गिफ्ट आपको पूरे 5 साल मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तय किया गया है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अभी 17 नगर निगम है, उन सभी 17 नगर निगमों को हमने स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का काम किया है, जिसमें विकास के अलग अलग आयाम जोड़ने का काम हुआ है और इन नगर निकायों को अच्छी सुविधाएं देने का काम किया गया है। यहाँ पर बेहतर प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया गया है। उसी तरह से
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय किया है कि हर जनपद का एक निकाय को हम प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे। और मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, अनुरोध भी करना चाहता हूँ, सलाह भी देना चाहता हूँ, निर्देश भी देना चाहता हूँ कि हरदोई ने जिस तरीके से जिताने का काम किया है, हरदोई नगर पालिका को आज स्मार्ट सिटी के रूप में अपना नाम प्रस्तावित करने का काम करें। हरदोई अब स्मार्ट सिटी बनेगा और यहाँ पर विकास के जितने ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सकेंगे वो सब कार्य हरदोई में कराया जाएगा। आज यहाँ पर हमारे माननीय नरेश अग्रवाल जी, माननीय नितिन अग्रवाल जी, किसी वजह से उनको प्रतापगढ़ जाना था, इस वजह से नहीं जा पाए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि रात दिन उन्होंने यहाँ पर परिश्रम किया जिसकी वजह से परिणाम आया। और नितिन जी प्रदेश सरकार में हमारे साथ मंत्री हैं, निरंतरता में हम सब लोग विकास के कार्यों में लगे हैं, उनके कारण यहाँ पर विकास की और गंगा बहेगी और हरदोई का बहुत अच्छी तरीके से विकास भी होगा। प्रशासनिक व्यवस्था को हम सुधारने का काम करेंगे और विकास को जितना अच्छे से अच्छे हो सकता है वो कराने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश के शहरों को देश के सभी शहरों से अच्छा बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है, उस संकल्प को हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास से उसको संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरीके से दुरावस्था थी, आप देखते हैं कि पिछले समय में किस तरीके से बजबजाती हुई नालियां थी, गलियां नहीं थी, सड़कें टूटी फूटी रहती थी, सौ सौ मीटर की सीसी के लिए कितना रोना धोना होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कई कई किलोमीटर की सड़कें और नालियां ऐसे बन जाती कि पता ही नहीं चलता। आप रात में सोते हैं तो पता चला कि कहीं कोई सड़क नहीं है, सुबह उठकर जब देखते तो पता चला कि कई किलोमीटर तक रातों रात सड़क बन जाती है। इस तरीके से विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में हर शहर में हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के एक हरदोई बहुत पुराना जनपद है और किस तरीके से जुड़ा हुआ है। और लगातार आप सब लोगों ने हमको आशीर्वाद देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को यहां से दोनों के दोनों सांसदों को जिताने का काम किया है, सभी विधायकों को पिछली बार भी जिताने का काम किया है, इस बार भी जिताने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की भी ये बनता है कि आप लोगों को जो भी आवश्यकता हो उसको हम पूरा करेंगे। और हम आपसे वादा करना चाहते हैं अपने प्रदेश सरकार की ओर से, जो भी आपकी आकांक्षाएं होंगी, जो भी आपकी अपेक्षाएं होंगी, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, उन सभी इच्छाओं आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है, हम पूरा करेंगे। जिस तरीके के विकास की आवश्यकता हरदोई में होगी उस सभी विकास को काम करेंगे और हरदोई को एक विकसित नगर के रूप में स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस के प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने का काम किया गया, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के पर माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का आलम यह है कि पूरी दुनिया उनके पीछे दीवानी बनकर घूम रही है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका में आने पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, वही उसी देश के राष्ट्रपति आज उनसे ऑटोग्राफ मांगने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव है मित्रों, आप सब लोग समझ सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव है। आज G20 देश जिसमें अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है और चाइना भी है, सभी बड़े बड़े देश जिसके सदस्यों ऐसे G20 देश का नेतृत्व करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। ये हमारे लिए बहुत परम गौरव की बात है, बड़े गौरव की बात है, हर्ष की बात है। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से भारत
पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और परम वैभव पर पहुंचेगा। आपका आशीर्वाद किसी प्रकार से मिलता रहे और आगे आने वाले समय में भी जो 2024 का चुनाव होगा, आप सब लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पर फिर से हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे और देश में फिर से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से विकास के और आयाम गढ़े जाएंगे और देश को हमारे परम वैभव पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार करेगी। इसके लिए आप सब लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम करती थी करती रहेगी और सदैव आप सब लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।